एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं, फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ 4-5 पावर सेंटर बन चुके हैं, एक सोनिया गांधी जी का है, एक राहुल गांधी जी का है, एक प्रियंका जी का है, एक खड़गे जी का है, एक वेणुगोपाल जी का है। इन लोगों ने परिवारवाद के चलते इस देश को तबाह किया है और अभी भी ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा छत्र राज देना चाहिए, बस हमारा राज सही तरीके से हमारा ही परिवार दिखना चाहिए। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को जरूर देखू चाहूंगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहां का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहां की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज्यादा वहां आना जाना नहीं है, वहां कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्जाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर वो उसी में लगी हुई हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहां बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूंगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहां वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहां तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था।